हेलो गाइस, फिर सेफ्टी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं सेफ्टी ऑफिसर। आज हम देखिए डेयरी खोल के बारे में बात करना चाहेंगे। डेयरी खोल क्या होता है और हम इसे किस काम में जो देख रहे हैं कि हम डेयरी खोल करते हैं, हम इरेक्शन वर्क में काम करते हैं, डेयरी टावर इरेक्शन में काम करते हैं। जब टावर हम बनाते हैं तब आपका मेटीरियल ऊपर जाता है, ठीक है। डेयरी खोल के सारे मेटीरियल ऊपर जाता है। तो आप सबसे पहले कौन से टावर में यूज़ कर रहे हैं आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ा आपका खतरा हो सकता है जिसमें आपकी जोखिम हो सकता है। तो आपको सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले डायरी कॉल का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब कौन सी टावर है, 220 के लिए है, 400 है या कैसी है, और टावर की थिकनेस क्या है ये आपको देखना है। जैसे हमारे टावर की लंबाई है 6 मीटर, ठीक है, दोनों जोड़ के आपका हो जाएगा 12 मीटर, और एक 6 और 7 का हो जाता है 13 मीटर हो जाता है। और इसका जो डाया है ये 6 इंच का है, और जो थिकनेस है 6 mm का ये थिकनेस डाया है 6 इंच। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ आपको देखना है कि आपका टावर के कितना टन का है, उस हिसाब से आपको यूज़ करना है। जैसे आप का एक आता है 9 मीटर का, 9 मीटर का भी आता है डायरेक्ट, तो हमारा जो टावर 4 टन का होता है जिसका लेग पतला होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। अगर इसको हम लोग उस पर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो बैंड हो जाएगा। इसलिए टावर की कंडीशन देखना है और कितना टन का है वो देखना है और इसको यूज़ करना है। ये भी टावर में आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमें ये भी ध्यान देना है कि काम शुरू करने से पहले सही से इंस्ट्रक्शन कर लें, और आपको ये जो देख रहे हैं आपको ये भी सही होना चाहिए, इसका होल्डिंग भी सही होना चाहिए, और हमेशा आपको कलर कोडिंग करके रखना है, ठीक है। और इसका ये बातों को सबका ध्यान देना है, और आपको 1/3 इसका ऊपर उठाना है और एक हिसाब का नीचे रहेगा, जो 1/3 हिस्सा है इसको ऊपर रहेगा, एक हिस्सा ऊपर नीचे रहेगा। जी आप बाहर जाते हैं यहाँ पे आपने दिया है, ये जो मार्किंग दिया है देखिए कितनी तक ऊपर जाएगा, और वहाँ पे आपका ये बंधेगा, ठीक है, रस्सा से। तो आपको जो रस्सा बंधेगा उसको भी ध्यान देना है, ताकि बार बार आपको ऊपर नीचे करते हो क्या होता है, कट जाता है। तो ये व्यवहार ध्यान देना है, और आपको हमेशा उसको बिफोर वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको डायरी खोल को चेक कर लेना है कैसे बंधा है, यानी इन बातों को ध्यान देना है, और आपको सेफ्टी रूप से काम करना है। सो गाइस, इस तरह की एक्टिविटी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।